नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे कहीं दिखते नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके प्रेजेंस होने चाहिए? तो चलिए आज मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जिससे आपकी सोशल मीडिया में ब्रांडिंग बनेगी। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में जाते तो हैं, अपने डेटा को कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल पाता। मैं दयानंद सोनी एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको बताऊंगा 3 गोल्डन टिप्स, 3 गोल्डन रूल्स जिसमें आपकी सोशल मीडिया की ब्रांडिंग 0 से टॉप पे जाएगी। तो मैं इसे पॉइंट वाइज आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, आपको अपने थॉट जो है अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड को शेयर करने हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रखनी है कि जो आपके थॉट है, जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, उसमें वैल्यू डिलीवर की चीजें हों, ऐसी फालतू की टाइम की चीजें नहीं हो जिसमें आपने ऐसे ही कोई पोस्ट लिया उसको डाल दिया। नहीं, वो चीजें वैल्यू डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला आदमी सोचता है कि आप वैल्यू डिलीवर कंटेंट नहीं शेयर करते तो आपके साथ उसके रिलेशनशिप नहीं बन पाएंगे और आपकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी नंबर पर बात करूंगा, आपको जो लोगों के, आपके दोस्त के, आपके फ्रेंड मेंबर के जो पोस्ट आते हैं, आप हम लोग क्या करते हैं, बस गए, जैसे लगा कि मैराथन दौड़ शुरू हो चुकी है। लाइक लाइक लाइक, पता नहीं कितने पोस्टों को लाइक हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, कुछ मतलब ही नहीं बनता लाइक का। आप मुझे बताएंगे लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मीन्स नथिंग। अगर आपने उस पोस्ट को देखा, आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी, आपके कुछ फीलिंग उसके साथ टच हुए, तो आप सर 2-4 लाइन लिख तो सकते हैं ना सर। इतने बिजी, आपको क्या लगता है हम इतने एडवांस हो गए, आज चांद पे चले गए लेकिन बगल के पड़ोसी के पास नहीं जाते क्योंकि रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी सर। तो हमेशा इन जो आपने पोस्टों को देखा, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके कलीग है, जो आपको शेयर करते हैं, उनको आप कमेंट्स के साथ उनको शेयर करें, उनके अपने फीलिंग उसमें मेंशन करें, तो ये रिजल्ट लगेगी। क्यों? वो समझेंगे कि ये जो शख्सियत है, इनके कंटेंट ये मेरे से बहुत क्लोज है और इनके कंटेंट हमेशा वैल्यूएबल होते हैं, या आपने उनके कंटेंट पे अपने फीलिंग शेयर किए। बिकॉज देर आर नथिंग ऑन फेसबुक, मोस्ट ऑफ पीपल दे आर ह्यूमन। हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग पास फीलिंग है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से उठ के शाम पता चला भाई साहब ने 4 घंटे फेसबुक पे निकाल दिए और पता नहीं क्या किया, बस सैकड़ों लाइक, देयर इज नथिंग मीनिंग ऑफ लाइक। तो ये चीजें आप करें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और तीसरी मैं सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आप अपने जो भी फीलिंग्स हो, जो भी आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो भी चीजें आप शेयर करते हैं, आप पहले एज ए प्रोफेशनल अपने प्रोफाइल को बनाएं कि आप किस चीज से के प्रोफेशनल है, आप किन चीजों का वैल्यू सोसाइटी में डिलीवर करना चाहते हैं, किन चीजों से आप अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं या वो वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहते हैं। आपकी प्रोफाइल का कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मेरी प्रोफाइल आपको सोशल मीडिया में कहीं भी दिखती है तो आपको मेरा फोटो दिखते ही आपके माइंड में आएगा ही इज दयानंद सोनी, ही इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो ऐसी ही चीजें होनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग आपके चैनल में होनी चाहिए कि आप किस चीजों में एक्सपर्ट है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, आप डायरेक्ट सेलिंग में है, आप बिजनेसमैन है, आप डिजिटल मार्केटिंग में है, चाहे आप हेल्थ से बिलोंग करते हो, तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 चीजों के बारे में बात करा। नंबर 1, आपकी खुद की पहचान क्या होगी, आपकी ब्रांडिंग क्या होगी। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि आपको जो पोस्ट देखने हैं, जो इस पोस्टों से आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीजें आप सीखते हैं, तो आपको उन्हें अपने हार्ट के फीलिंग मेंशन करने हैं कि ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरी नंबर, जब आप लोगों को देखें, जब आप लोगों के पोस्ट देखें, तो उनको आप कमेंट्स दें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें, और आप जो कमेंट भी, जो पोस्ट भी शेयर करें सोशल मीडिया में, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कंटेंट वैल्यू कैपेसिटी होनी चाहिए। टाइम पास के लिए आप इसे नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया में आपकी ब्रांडिंग करने के लिए, आपकी पहचान बनाने के लिए, आपकी मार्केटिंग करने के लिए ये कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताई। आगे मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें मैं आपको शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल का व्यू ही यही है, मेरे चैनल का इंटेंशन ही यही है कि जो मैं चीजें आपको डिलीवर करूंगा उसमें 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, अगर आप अप्लाई करते हैं तो, अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो। मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।